हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ एक नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जिसमें आपने भी अपने आप को चुप कर रखा है, आप भी अपनी तरफ से अब कोई भी जेस्चर नहीं कर रहे हो, किसी तरह का रिक्वेस्ट अपने पर्सन से नहीं कर रहे हो कि वो आपसे बात करें, आपकी लाइफ में आ जाएं एंड ऑल, तो वो चीज़ें देखेंगे कि इस चीज़ का असर इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनकी सोच के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो ये चीज़ें टैरो से आज हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, ठीक है। उसके अलग गाइज, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को उस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा। देखिए, लौट फिर कर आनी आप ही के पास है, चाहे फिर वो किसी भी तरह से क्यों ना आए, ठीक है। तो देखने जा रहे हैं कि आपकी खामोशियों का असर अब इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनके इमोशंस के ऊपर क्या पड़ रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और डिवाइन, प्लीज़ आर के एंजल्स, प्लीज़ और एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए, बताइए ड्यूरेशन, गाइड कीजिए, बताइए। दो कार्ड्स आए हैं, द जेंटल एंड द पीएसनल, गाइड कीजिए, बताइए क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर। द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट्स, क्या बात है, गाइड कीजिए, बताइए क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर। द टेमिंग पावर ऑफ द ग्रेट, अप्रोच, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कंसर्न, गाइड कीजिए, बताइए फैमिली रूम, गाइड कीजिए, बताइए मैसेज ऑफ कंसर्न, गाइड कीजिए, बताइए मेन मेल, गाइड कीजिए, बताइए मैरिज एंड ओवरऑल एनर्जी है फॉल्स पर्सन, ठीक है। तो देखिए, एनर्जीज़ जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब टैरो से कार्ड्स निकाले जाएंगे। अभी यहाँ पर सारे के सारे ओरेकल्स कार्ड्स निकाले गए हैं, तो बात कर लेते हैं कि क्या आपकी खामोशियों का असर अब इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनकी सोच के ऊपर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है तो किस वे में पड़ रहा है, ये हमारा आज की इस रीडिंग का सवाल है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसे कि आपने अपने आप को खामोश कर रखा है और इस पर्सन ने भी अपने आप को खामोश कर रखा है, तो वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं अकेला कर रही हैं, या वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं अपने आप में रहने के लिए मजबूर कर रही हैं, फोर्स कर रही हैं, ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। हालांकि अपने आप में रहने के बाद भी ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं, और उस अप्रोच करने की वजह, उस तरह की चाहने की वजह यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आपके लिए ज़्यादा टेम्पटेट हो रहे हैं, या ज़्यादा टेम्पटेशन इन्हें आपके लिए हो रही है, एक क्यूरियसिटी आपके लिए इनके मन में जाग रही है, एक पैशन इनके मन में जाग रहा है। वो उस तरह का पैशन इनके मन में जाग रहा है कि आज की डेट में आप इनके वो सपने बनकर रह गए हो जो शायद
शायद कभी पूरा नहीं होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं उसकी टेम्पटेशन, उसके लिए हम और ज़्यादा पैशनेट होने लगते हैं। तो वही कुछ हो रहा है इस पर्सन के साथ। जब तक आप अपनी साइड से इस पर्सन के पास आने की जाने की कोशिश करते रहे, तब तक ये आपको डेफिनेटली सही दिखाते रहे कि इन्हें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की डेट में आपके खामोश रहने के बाद बेसिकली आप इस पर्सन के एक जुनून बनकर रह गए हो, आप एक ऐसे सपने बनकर रह गए हो जिसे इन्हें अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपने अपने आप को चुप क्या कर लिया। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को खुद से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि खुद से ये अपने आप को, जो इनके दिल, इनके सीने में दिल है, जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ जाने की इच्छा बार बार जगा रहा है, उसे ये समझा नहीं पा रहे हैं या उसे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो दिल है वो आपकी तरफ इन्फ्लुएंस डाल रहा है इनका, कि ये आपकी तरफ जाएं या आपसे बात करें, आपको मैसेज करें, मैसेज ऑफ कंसर्न, या आपने जो भी कभी एक वक्त पे ने मैसेज करे थे कि बात कर लें आपसे या आपको कॉल कर लें, मैसेज करें, तो उन मैसेज के प्रति ये पर्सन और ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि अब आपकी तरफ से डेफिनेटली किसी तरह का कोई मैसेज जा ही नहीं रहा है। चाहे फिर इस पर्सन ने खुद से ही क्यों ना ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन ब्लॉक को ब्लॉक करके ये देखते हैं कि कहीं आपने कोई मैसेज तो नहीं ड्रॉप कर रखा जो अब इनके पास आ जाए। अब ये पर्सन बहुत उतावलेपन की तरह आपके एक एक मैसेज का, आपकी साइड से एक एक कॉल का इंतज़ार करते हैं। ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ये चीज़ें सिर्फ उसी पर्सन के लिए होगी जिन लोगों ने अपने आप को चुप कर रखा है, जो अपनी नीडीनेस या अपना पैशन इस पर्सन को दिखा नहीं रहा है। जो दिखा रहे हैं बेसिकली उनके लिए ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर उन्हें समझ में आ रहा है कि आज भी आप उनके लिए पागल हो। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि उनका और आपका जो भी रिश्ता है, जो भी परिवार से रिलेटेड जो भी सपना था आप लोगों का, वो परिवार से रिलेटेड सपना जो है वो अब इनका खतरे में जा चुका है। अब इसमें कहीं ना कहीं इन्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि कुछ हो नहीं सकता इस रिश्ते में। ये इस तरह की इनसिक्योरिटी इनके मन में चल रही है आपके खामोश रहने के बाद, इस तरह का डर इनके मन में चल रहा है आपके खामोश रहने के बाद। और कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन भी इन्हें ऐसे ही समझा रही है। हो सकता है वो इनका डर इन्हें हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है डीप इनसाइड कि अब तो मेरी अंतरात्मा, मेरी इंट्यूशन भी इन चीज़ों को समझ गई है कि ये और आप कभी पूरे नहीं हो सकते, इनका परिवार पूरा नहीं हो सकता, इनका आपसे रिलेटेड जो सपना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से असर आपकी खामोशियां इस पर्सन के ऊपर डाल रही हैं। अब ये आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहते हैं दिन भर, यानी कि 24 घंटे ये पर्सन आपके बारे में, दिन हो रात हो, कैसे भी मौसम हो, कैसा भी तूफान क्यों ना हो, ये पर्सन आपके साथ जो भी इनका कमिटमेंट था या जो भी कमिटमेंट चाह रहे थे आप दोनों एक दूसरे से, उसके विषय में ये ज़्यादा कंसर्न रहने लगे हैं। ये यहाँ पर है और यही चीज़ें कहीं ना कहीं ये डीप साइड अपने मन में मैनिफेस्ट भी करते हैं कि किसी तरह से ये जो दूरियां हैं, ये डिस्टेंस है, वो मैच्योरली डील हो जाएं, मैच्योरली चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें, ना कि दूरियों की तरफ, डिस्टेंस की तरफ। तो इस तरह से असर आपकी खामोशियां इनके ऊपर डाल रही हैं, ठीक है। उसके अलग यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि एक वक्त पे डेफिनेटली इस पर्सन का बिहेवियर आपके लिए काफ़ी रफ़ एंड टफ हो गया था, काफ़ी वॉयलेंट हो गया था, यानी कि बहुत टॉक्सिक इन्होंने इस रिश्ते को बना दिया था। लेकिन इस पर्सन के अंदर भी बदलाव आ रहे हैं आपकी खामोशियों के बाद। इन्हें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का समझ में आ रहा है कि ये आपके लिए कितने रफ़ हो गए थे, तो ये अपने नेचर में, अपनी आदतों में कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को नॉन वायलेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है।
इस पर्सन को कहीं ना कहीं डीप इनसाइड दर्द होता है दिल में कि अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आपसे रिलेटेड जो भी सपना था, अगर आप मैरिड थे तो इसलिए आप एक परिवार थे तो परिवार से रिलेटेड सपना बिखर कर रह गया, और अगर आप मैरिज करना चाहते थे और परिवार में आना चाहते थे तो वो सपना बिखर गया है। तो वो चीज़ें ना बार बार इनके मन में चलती रहती हैं और बार बार ये इन चीज़ों के लिए रियलाइज़ करते रहते हैं, इन चीज़ों के लिए बार बार अवेयर होते रहते हैं, या जो चीज़ें ये पहले एक वक्त पे कंसर्न करना ही नहीं चाह रहे थे, जिनके लिए डिसिप्लिन होना ही नहीं चाह रहे थे, उन्हीं चीज़ों के लिए ये पर्सन बहुत पैशनेटली डिसिप्लिन होना चाह रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि ये चीज़ें अब इनके दिल तक चुभ गई हैं, इनके दिल तक इन्हें हर्ट कर गई हैं, वो यहाँ पर दिख रहा है। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आप तक अप्रोच करना चाहते हैं, एक वार्म ऑफ़र, एक लॉन्ग ऑफ़र, एक सॉलिड ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं। डीप इनसाइड ये यहाँ पर है। आपकी खामोशियों के बाद ये असर पड़ रहा है इनकी सोच पर, इनकी फीलिंग्स पर या इनके हालातों पर, लेकिन फिर भी ये पर्सन साथ में आपको एक दिखावटी चेहरा पहनकर भी दिखा रहे होंगे, ये भी यहाँ पर है, एज इन कि इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये अपनी लाइफ में पूरी तरह से ठीक हैं, लाइफ पूरी तरह से सही चल रही है, लेकिन आप देख सकते हो लाइफ या सोच में 1% भी शांति नहीं दिख रही है। इवन इनके मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि ये इस वक्त में एक ऐसी कॉफिन में है, एक ऐसे मुकाम पर हैं जिसमें ये मरे और जिंदा दोनों एक ही बराबर हैं, वो चीज़ें चलती हैं, और उन चीज़ों में इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी, आपके साथ की, आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसकी याद आती रहती है। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपकी खामोशियाँ कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके लिए टेम्पटेट कर रही हैं, पैशनेट कर रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, या आपके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरह इन्हें आपकी तरफ खींच रही हैं आपकी वही खामोशियां, यहां पर ये है। ठीक है, यहां पर आपके लिए नंबर 14 नंबर 1 मुझे बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि जनवरी मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ होगा। चलिए और देखते हैं टैरो से कि क्या असर डाल रही है व्यूअर्स की खामोशियां उनके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर। मैनिफेस्ट के मामले में गाइड कीजिए, बताइए क्या असर डाल रही है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, मैनिफेस्ट के मामले में क्या असर डाल रही है, गाइड कीजिए बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुलायन कुंभ राशि। बेसिकली आपकी खामोशियाँ अब इस पर्सन को कंफ्यूज कर रही हैं कि अब आपके दिल में इनके लिए क्या है, अब आपके दिल में इनके लिए प्यार है या नहीं है, या अब आप इनके लिए पहले जैसे कंसर्न हो या नहीं हो, उस तरह से आपकी खामोशियाँ इस पर्सन को कहीं ना कहीं ओवर एनालाइज करने के लिए फोर्स कर रही हैं। हालांकि ये पर्सन ऐसे प्रिटेंड करके दिखा रहे हैं, झूठा मास्क पहनकर दिखा रहे हैं कि कोई दिक्कतें इनकी लाइफ में नहीं है, लेकिन ये पर्सन अब उन हालातों पे तो पहुंच गए हैं कि ये 24 घंटे के एक एक मिनट एक एक सेकंड्स को गिनते हैं, और जितना ज़्यादा ये उन एक एक मिनट एक एक सेकंड्स को गिनते हैं उतना ज़्यादा ये अपने आप को स्टक कर लेते हैं, अपने आप को एक डर में डाल देते हैं, या उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने कॉन्फिडेंस को खो देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें वो एक एक पल एक एक सेकेंड इन्हें ये रियलाइज कराता है कि जो आज की डेट में तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, जो भी मैनिफेस्ट करा है वो तुमने करा है, उन सबके जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम हो, तुम्हारी इमैच्योरिटी है, तुम्हारा कमिटमेंट ना देने का डर है, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, यानी कि आपकी खामोशियां इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करने के लिए, ओवर थिंकिंग करने के लिए मजबूर कर देती हैं, और अल्टीमेटली ये किसी फैसले पर, अल्टीमेटली ये किसी डिसीजंस तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो डेफिनेटली असर तो आपकी खामोशियाँ इस पर्सन के ऊपर डाल रही हैं, ये बहुत अच्छे से दिख रहा है। सैक्रल चक्र के मामले में गाइड कीजिए, बताइए किस तरह से असर डाल रही हैं इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर,
यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, तो एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली आपकी खामोशियाँ इस पर्सन को आपके साथ बीते हुए पलों को या आपके साथ जो भी परिवार था, जो भी फैमिली थी, उन सब की बेहद ज़्यादा याद दिलाती है। और साथ में ये चीज़ें भी याद दिलाती है कि इन्होंने इस परिवार के लिए कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ इस परिवार के लिए, इस परिवार से रिलेटेड सपने के लिए इन्होंने कभी भी इसकी लीड नहीं ली है, जिस रीज़न की वजह से इनसे इनके हाथों से वो परिवार छीन लिया गया है। तो इस तरह का डर इनके मन में चलता रहता है, यानी कि ये पर्सन इतने ज़्यादा ओवर एनालाइज करने लगे हैं कि ये फ्यूचर देख रहे हैं, एक ऐसा फ्यूचर देख रहे हैं अपना जिसमें आप और ये दोनों साथ में नहीं हो। आप दोनों साथ में हो तो हो ही नहीं, लेकिन कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है अब साथ मिलने की, साथ जुड़ने की। तो आपकी खामोशियाँ बेसिकली इस पर्सन को डरा रही हैं, उन चीज़ों का एहसास दिला रही हैं बार बार कि तुमने अपने परिवार को, परिवार से रिलेटेड सपने को अब खो दिया और तुम अब ये चीज़ें डिज़र्व करते भी नहीं हो। तो उस तरह की चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं और ये पर्सन उन चीज़ों को सोच सोच कर एक डर में बैठे हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि एक डार्क इमोशंस इस पर्सन के यहाँ पर दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन का ना दिल भी नहीं करता जैसे चार लोगों से मिले, चार लोगों से बात करें। हालांकि देखो चार लोगों को मिलना तो इन्हें पड़ेगा ही, क्योंकि एक सोसाइटी में अगर आपको रहना है तो चार लोगों से मिलते ज़रूर होंगे, लेकिन इनका दिल से कहीं ना कहीं मन यहाँ पर नहीं करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को आपके बिना, आपके खोने के डर की वजह से या खो दिया इन्होंने आपको, उस डर की वजह से ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, बैलेंस के मामले में क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए बैलेंस के मामले में क्या असर पड़ रहा है व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, गाइड कीजिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पर्सन रातों को सो नहीं पा रहे हैं अब, जब से आपने अपने आप को चुप कर लिया, क्योंकि ये आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपने इन्हें कुछ और ही दे दिया, आपने इन्हें अपनी खामोशी दे दी बजाय आपने इन्हें जीत देने के। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जब जब सोते नहीं हैं, जिस रात को इन्हें नींद नहीं आती है, उस रात बस ये पूरी रात आपके जो भी मैसेजेस हैं, पुरानी चैट जो भी आप दोनों के बीच में हुई है, उन्हें पढ़ते रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको मैसेज करने की इच्छा इनके मन में जागती रहती है कि ये मैसेज करें या ना करें, क्या करें मैसेज या क्या ना करें। तो उन चीज़ों में इनका दिमाग जो है वो घूमता रहता है, जिस वजह से ये पूरी रात सो नहीं पाते हैं, फोकस अपने थॉट्स से ये बदल नहीं पाते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें इन्हें ये रियलाइज़ कराती हैं कि तुमने अपनी जीत के चक्कर में अपने आप को कितना रफ, कितना हार्श बना दिया था, या कितने ज़्यादा वॉयलेंट तुम अगले के लिए हो गए थे, या तुमने इस रिश्ते को क्या दिया, तुमने इस रिश्ते को जो दिया तुम्हें बदले में मिल रहा है, तो तुम अब इस रिश्ते से, उस इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उस तरह का डर, उस तरह की इनसिक्योरिटी इस पर्सन के मन में चलती रहती है आपकी खामोशियों के बाद। हालांकि ये प्रिटेंड ऐसे ही कर रहे होंगे कि भाई ये सही है, बैलेंस्ड एनर्जी में है, ओवरऑल सब चीज़ें सही चल रही हैं, लाइफ में सक्सेस चाहिए, सक्सेस मिल रही है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी आई है यहाँ पे फॉल्स पर्सन, जो इस चीज़ को ये बता रहा है कि बहुत झूठी ज़िंदगी ये पर्सन इस वक्त में जी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि असर तो आपकी खामोशियों का ही पड़ा है, आपके बोलने का असर इनके ऊपर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये पर्सन ऐसे मुझे दिख नहीं रहे हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान मानते थे जैसे कि यही मेन पर्सन है, यही करता धरता है, यही भगवान है, जो करा है इन्होंने करा है, जो करेंगे ये करेंगे। तो कुछ ऐसी सोच थी इनकी, जिस रीज़न की वजह से इनके ऊपर ये चीज़ें और ज़्यादा गहरी तरीके से असर डाल रही हैं, ये है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान अपने आप को जितना ऊंचा मानता है, उसके लिए सबसे बड़ी चोट यही है कि उसके सामने आप चुप हो जाओ। ठीक है, उसे ये मत दिखाओ, उसकी पूजा करनी बंद कर दो, उसके सामने अपनी साइड से नीडीनेस
खानी बंद कर दो, तो वही इनके साथ हुआ है। डे ड्रीम्स के मामले में क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, यूनिवर्स गाइड कीजिए। द लवर्स एंड स्ट्रेंथ, तो जेमिनाई और लियो की एनर्जीज यहाँ पर आई है। बेसिकली नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। ये पर्सन ना आपको आज की डेट में एक डीप कमिटमेंट की तरह, एक सच्चे दोस्त की तरह देख रहे हैं, जिसे ये, जिस रिश्ते को ये कहीं ना कहीं डीप इनसाइड रिकवर करना चाह रहे हैं। यानी कि इस पर्सन को जो टेम्पटेशन हो रही है ना, वो हो रही है आपके प्यार की टेम्पटेशन, जो आप इन्हें दिया करते थे, जो आप इन्हें केयर करा करते थे। ये अपने आप को शेर मानते थे या शेरनी मानते थे, और आप इस शेर को या शेरनी को प्यार से सहलाते थे या प्यार देते थे। ये आप पर हमेशा गुस्सा करके, हमेशा भड़बड़ा के, यानी कि वॉयलेंट होकर दिखाते थे, लेकिन आपने कभी भी अपनी साइड से ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। आपने हमेशा से चीज़ों को बहुत हल्के दिमाग से, बहुत प्यार से डील करा। समझते हैं कि आप क्या हो, आप एक एंजल की तरह हो, आपका नेचर बहुत प्यारा है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ये नहीं है ना। तो डेफिनेटली हमेशा ईगो बूस्ट करने वाले इंसान का आपने चुप रहकर, उसकी केयर ना कर, उसे प्रायोरिटी ना देकर, उसे प्यार ना देकर उसके ईगो को हर्ट करा है, तो वो बब्बर शेर या वो शेरनी कहीं ना कहीं बौखलाई फिर रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। तो आपकी खामोशियाँ डेफिनेटली इस पर्सन को कमज़ोर कर रही हैं, क्योंकि आपका प्यार, आपकी केयर हमेशा इन्हें स्ट्रॉन्ग, इन्हें मजबूत बनाकर रखता था। ये पर्सन समझ रहे हैं कि अब ये आपकी नज़रों में मेन पर्सन नहीं रह गए हैं, ठीक है। जैसे आपके लिए ये प्रायोरिटी थे, उसके अलग कुछ और आपके लिए प्रायोरिटी था ही नहीं। फिर चाहे वो आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो, आपका वर्क हो, कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं था, बस ये थे। आपके खामोश रहने के बाद इस पर्सन को ये समझ में आया है कि आप इनकी लाइफ में क्या थे जिसकी इन्होंने इम्पॉर्टेंस नहीं समझी, तो जो इन्हें बेसिकली दिख रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी खामोशियाँ अब इस पर्सन के ऊपर ये असर डाल रही हैं कि आज ये आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं, वो एनर्जीज दिख रही है। आप जो इन्हें प्यार करते थे, उस प्यार के लिए जो आप इन्हें मजबूत बनाते थे, उसके लिए ये पर्सन अब तड़प रहे हैं आपकी खामोशियों के बाद। यहाँ पर ये है, हार्ट चक्रा के मामले में क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, यूनिवर्स गाइड कीजिए। हार्ट चक्रा के मामले में क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द रिलीज एंड ओवरऑल एनर्जी है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समय बहुत बलवान होता है, ये चीज़ें ये पर्सन समझ रहे हैं। कल तक कहीं ना कहीं इनका वक्त था और आज आपका वक्त है, ऐसा इनका सोचना है, ये यहाँ पर दिख रहा है। और इसी डर से, इसी समय के बलवान की थॉट की वजह से ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने आप में रह रहे हैं। यानी कि इनके अंदर बदलाव आ रहा है, इनका जो दिल कभी एक वक्त पे पत्थर बन गया था आपके लिए, वो दिल ये ट्रांसफॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। उस दिल को, जो पत्थर दिल था, उसे ये रिलीज़ करना चाह रहे हैं, अपनी सोच को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, ताकि ये नए सिरे से नई शुरुआत आपके साथ कर सके। तो डेफिनेटली ये पर्सन समझ रहे हैं कि भाई समय ने इन्हें सब कुछ चीज़ें सिखा दी हैं, आपको बदल दिया, इनके हालातों को बदल दिया, इनकी सोच को बदल दिया है। तो ये इनका सोचना है आपकी खामोशियों के बाद। तो आप इन्हें कितना भी बैठ के समझा लेते ना, इन्हें पहाड़े की तरह रटवा देते, तब भी ये रिश्तों की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक आप इन्हें खुद से समझा रहे थे। इन्हें समय ने ही सब चीज़ों को समझाया है, यहाँ पर ये दिख रहा है। देर से सही, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक यही दिख रही हैं कि समझ बहुत गए हैं। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। स्टेज, वाटर गार्जन, स्काई फेदर एंड ओवरऑल एनर्जी है ट्रेडर। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़, यहाँ पे भी ट्रस्ट जो बेसिकली ये बता रहा है कि देखो, अगर आप में अपने अंदर भरोसा है कि ये मेरा है तो मेरा बनकर रहेगा या रहेगी, और अगर आपके अंदर भरोसा ही नहीं है, फिर तो कुछ भी चीज़ें आप कर लो वो सब बेकार है। तो आपसे ये यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपके अंदर भरोसा है तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें भी मिलकर रहेंगी उस यूनिवर्स, उस डिवाइन के माध्यम से, जो शायद आपकी नज़रों में, लोगों की नज़रों में इम्पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बस आप अपने आप को कनेक्ट रखो अपने उस यूनिवर्स
यूनिवर्स से, अपने उस खुदा से, अपने उस गॉड से जिन पर आपको भरोसा है, और अपने दिल की हर एक बात चाहे लिखकर चाहे बोलकर आप एक्सचेंज करो अपने उस यूनिवर्स के सामने, अपने उस गॉड के सामने, उस भरोसे के साथ कि वो डेफिनेटली आपकी सुनेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, भरोसे की तो डेफिनेटली जीत होती है, पर तभी तो जीत होगी जब आपको उस भरोसे पे भरोसा होगा, उस ट्रस्ट पे आपको भरोसा होगा। तो ये चीज़ें बोली जा रही हैं। तो अब आपके लिए एज अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है कि जो दिल में है, जो दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, पेपर पे लिख डालो, उस गॉड के लिए एक चिट्ठी लिख डालो और उन्हें समर्पण कर दो कि मेरा ये दुख है, मेरा ये दर्द है, मेरी ये तकलीफ़ है, किसी भी गॉड के जिस पे आपको भरोसा है, ठीक है, अपनी एक अर्जी दे डालो उनको और फिर पूरे भरोसे के साथ कि वो आपकी सुनेंगे। ये काम ज़रूर से आप कर लीजिएगा, किसी फ्राइडे को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिलीजन फैक्टर नहीं है, जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन्हें सौंप देना है। किसी के थ्रू भिजवाना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, फ्राइडे को करोगे तो बेहद ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर दो अपने भगवान के साथ। तो यहाँ पर ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर असर पड़ रहा आपकी खामोशियों का, और ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, पसंद आती है तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।